साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमैया तुस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईबुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आए, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है दांडी यात्रा की स्मृति में। सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है जी। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं, अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं, इसी मिशन के साथ अल जमैया तुस सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपका कैरिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है।